बिहार की जनता ने मनाया। ये बहुत ज्यादा अहम बात है और इस अभी थोड़ी देर पहले हमें पता चला कि मंत्री जी आ रहे हैं और यहाँ पर मंत्री जी को हम सबसे रूबरू कराने वाले हमारे शाहबुद्दीन भाई और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो मेंबर हैं दिनेश हवाले जी और हमारे बीच परमवीर जोहरा जी और डॉक्टर सीमा जो है ये भी हमारे बीच में। इस दूरियों को बड़े बड़े पास लाने में बड़ा योगदान भाई हमारे शाहबुद्दीन भाई। ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं बस यही बोलूंगी कि आप समझ रहे होंगे छोटी सी बच्ची है और मैं थोड़ा तगड़ा जंगा हुआ है, लेकिन अगली बार जब आपका प्रोग्राम मिलेगा बहुत अच्छे रूप में प्रोग्राम हुआ है मंत्री जी का भी चंद दिन तो पहले हमें पता लगा, लेकिन मैं तमाम बिहार के जितनी भी जनता है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और नजर न लगे उनकी खुशियों को कि उन्होंने आजादी का जितने भी मेरे कांग्रेस के जावेद जी हमारे बीच में, माफ कर दीजिएगा मैं बहुत सब लोगों के नाम जानती हूँ, चेहरे से सबको पहचानती हूँ क्योंकि अभी थोड़ा ही समय मुझे पार्टी में आए हुए बाद। और मैं बस इतना बोलूंगी कि आज का जो दौर है इस दौर में हमें जरूरत है युवाओं की क्योंकि वो आगे बढ़ता है बड़ी रफ्तार से, इस दौर में हमें जरूरत है ऐसे ऐसे बुजुर्गों की कि वो हमें नीति बताते हैं। इस दौर में सबसे जो अहम चीज है वो जरूरत है भाईचारे की, एकता की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सभाई भाई, हमने उस भारत में जन्म लिया था जहाँ हिंदू मुस्लिम की जो मिसाल है बड़ी खूबसूरती से दी जाती है और आज का जो माहौल है आप सभी को पता है वोटों के लिए कुर्सी के लिए किस तरीके की राजनीति करते हैं। एक मोदी बेटी थी जो 5 महीने की गर्भवती थी उनके और उसका बलात्कार कर दिया और बलात्कार को छोड़ दिया गया, तो ये समझने की जरूरत हमारे युवाओं को है क्योंकि जब 2014 में सरकार आई थी तो हमारे युवाओं का हम क्या उसका बहुत योगदान है और बहुत सारी चीजें आपको पता है तो ये बाबा होते थे जिन्होंने बलात्कार बलात्कार किए हुए हैं बड़े चर्चित हैं, आप सभी को पता है कितने सारे लोग जेल में हैं।